के स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना, दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, में हम प्यारे बच्चों, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना का प्रभाव हम बता नहीं सकते हैं। आज का सुसमाचार में हम प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रभाव को देखते हैं। संध्या समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ते नाव पर दूर भेजकर और एकांत में एक पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। वहाँ वो पूरा समय, बहुत ज़्यादा समय, चौथा पहर तक प्रार्थना में लीन थे, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने उसके बाद नीचे उतरा तब उनके शिष्य समुद्र पर काफ़ी दूर चले गए थे। प्रभु यीशु उस समय समुद्र पर चलते हुए अपने प्रिय शिष्यों के पास आते हैं। उस समय समुद्र का हालत बहुत खराब था। उन लोग नाव वायु प्रतिकूल थी, नाव हिलने लगे, डूबने का स्थिति था। वहाँ उनके जीवन खतरे में थे, शिष्य डर गए थे। उस समय प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, डरो मत। हमसे बताया गया है पूर्ण बाइबल में 365 बार ये लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दिन के लिए हर दिन प्रभु इस प्रकार हमसे कहते हैं, तुम डरो मत। और जब प्रभु की आवाज सुना, पेत्रुस ने प्रभु से आग्रह किया, प्रभु यदि आप है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे भी समुद्र पर चलना है। प्रभु ने उनसे कहा, आ जाओ। पेत्रुस भी प्रभु की ओर कदम बढ़ाया, समुद्र पर पानी पर चलने लगे, परंतु उसने प्रभु की ओर से अपने हांगे हटाया, समुद्र को देखा, वायु की ओर देखा, वो डरने लगे। और हम देखते हैं पेत्रुस पानी में डूबते हुए और चिल्लाने लगे, प्रभु उन्हें हाथ बढ़ाकर उन्हें बचाया और उनसे कहा, अल्पविश्वासी क्यों डरते हो। और प्रभु यीशु पेत्रुस सब नाव पर चढ़ा, वायु थम गए और उन लोग अपना जो लक्ष्य स्थान तक पहुंच गए। वहां उतरते ही हम देखते हैं लोगों को पता चला प्रभु यीशु वहां आए हुए हैं, तो लोग वहां के सभी लोग एकत्रित हुए
रोगियों को उनके पास ले आया, उनसे आग्रह करने लगा। वो उनके जो कपड़े पर छूने के लिए उन्हें अनुमति दे। आखिर में ये बताया गया हमसे, जितने लोगों ने उन्हें स्पर्श किया ये सब के सब चंगे हुआ है। इसलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा, प्रार्थना का प्रभाव हम बता नहीं सकते हैं। प्रार्थना का शक्ति प्रभाव, और हम जिस प्रकार सोचते हैं उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि प्रार्थना में हम ईश्वर से एक हो जाते हैं। आइए हमारे सारे निवेदन हम इस बलिवेदी पर रखें, प्रभु से आग्रह करें, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकारें, प्रार्थना करना हमें भी सिखाइए, और बड़े विश्वास के साथ बड़ी भक्ति के साथ हम इसमें इस बलिदान में भाग लें। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए कुमारी मरियम से सत्संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम बड़े आनंद से तुझे अपना सृजनहार और पालन करता स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा दृष्टि हम प्रार्थियों पर सदा बनी रहे। तू दया पूर्वक हमें पाप पंक से स्वच्छ कर हमारा जीवन दिव्य और नवीन बना दे, और इसे अपनी कृपा द्वारा सुरक्षित रहे, जिसे हम अनंत जीवन के लिए पुण्य फल उत्पन्न करते रहे। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से आज का पाठ। यूदा के राजा योशिया के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के पांचवें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह गिबओन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से ये कहा, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक दो वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेज़र यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्या को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा। ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एमस्तु प्रभु ऐसा ही करे, प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी आए थे वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणियाँ करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है।
इस पर नबी हनन्या ने नबी एरेमिस के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्या ने समस्त जनता के सामने ये कहा, प्रभु ये कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेज़र का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उसे सब ग्रास्तों के कंधे से उतार कर तोड़ डालूंगा। इसके बाद नबी एरेमिस अपनी राह चला गया। जब हनन्या ने नबी एरेमिस के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी एरेमिस को यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्या से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ, वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेज़र के अधीन होंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उनके अधीन कर दिया है। नबी एरेमिस ने नबी हनन्या से कहा, हनन्या ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्या का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सत्य से अलग न होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करें, और वे भी जो तेरी शिक्षा जानते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। दुष्टजन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष, हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के 14वें पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। तब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए, और यह कहकर यह कोई प्रेत है डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया
और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गए। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु तो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दें। इनके साथ ही तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व की सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देकर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात गाते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, 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 पवित्र।
प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये गुहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान करक, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य है। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याचकों को, याचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब दया दृष्टि डाल कि मन जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर्षंत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गायब बने रहे, तेरा सदगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रेस के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तुगानु जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हम प्रवेश करें के शरीर तथा रक्त का ये सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने तेरा शरीर रक्त करने वाला देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है, जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अपने जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं सांस्कारिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए, आमीन। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्ग से रोटी दी, उसमें सब प्रकार की मिठास थी, वह सबको स्वादिष्ट लगी। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है, हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, तू हमें आनंद मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। ये हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।